हेलो एवरीवन, इस चैप्टर में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसका टॉपिक लीफ एंड इट्स मॉडिफिकेशन देखने वाले हैं। इसके पहले दो वीडियोस में हम द रूट एंड इट्स मॉडिफिकेशन एंड द स्टेम एंड इट्स मॉडिफिकेशन को देख चुके हैं। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब है कि हम एनसीईआरटी की लाइन्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए उसको किस तरह से याद रखना है इसको बताएंगे। सो लेट्स बिगिन इट। सो हम लीफ के बारे में पढ़ने वाले। तो लीफ क्या होता है? जनरली हमें पता है कि प्लांट में कुछ पार्ट्स सॉयल के ऊपर होता है और कुछ पार्ट्स सॉयल के नीचे होता है। जो सॉयल के नीचे होता है उसको रूट सिस्टम कहते हैं, जो ऊपर होता है उसको शूट सिस्टम कहते हैं। तो शूट सिस्टम में हमारा स्टेम होता है और स्टेम पे हमारे लीव्स अराइज करते हैं और इसी स्टेम पे हमारा फ्रूट्स फ्लावर्स भी होते हैं। तो जो लीफ है वो ओरिजिनेट होता है लेटरल पार्ट्स पे। लेटरल पार्ट्स का मतलब है कि अगर कोई भी चीज़ है तो उसका अपर सरफेस होता है, लोअर सरफेस होता है और साइड का सरफेस होता है। तो जो साइड का सरफेस है स्टेम का, वहाँ पे ये ओरिजिनेट होता है। जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है। लीफ क्या होता है? एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर थोड़े है, वो फ्लैटेंड है। और ये कहाँ पे ओरिजिनेट होता है? स्टेम पे। ओके, सो अब हम पिछले वीडियो में भी जब बात कर रहे थे स्टेम के बारे में, तो जब नोड को डिफाइन कर रहे थे तो कह रहे थे कि नोड वो पॉइंट है जहाँ पे लीफ का ओरिजिन होता है। तो लीफ कहाँ पे ओरिजिन होता है? नोड पे ओरिजिन होता है। और नोड कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टेम पे, राइट। तो एक और चीज़ हम के बारे में बात कर रहे थे कि अगर कोई स्टेम पे लीफ है इस तरह से, तो यहाँ पे कुछ बर्ड्स प्रेजेंट होंगी और इस बर्ड को हम, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एंगल है इसलिए इस एरिया को हम एक्जिल कहते हैं। और यहाँ पे जो बर्ड प्रेजेंट होती है तो उसको हम एक्जिलरी बर्ड कह देंगे, क्योंकि हम इसको एक्जिल कहते हैं। यानी जो इस तरह का स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है लीफ में, ठीक है, तो उसको हम एक्जिल कहेंगे क्योंकि वो एक एंगल की तरह दिख रहा है। तो जो एक्जिलरी बर्ड है वो बाद में चल के ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रांच स्टेम की तरह ही ब्रांच होता है। जो स्टेम के जो फर्दर डेवलपमेंट्स होते हैं उसको ब्रांच कहते हैं इन डिफरेंट रीजन्स। तो लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टम। जैसे पता है हमें कि जो हमारा मेरिस्टमेटिक सेल होता है उसका जो एपिकल पार्ट है यानी जो अपर सरफेस पे पाया जाता है वो जनरली सूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम होते हैं। तो लीफ कहाँ से ओरिजिनेट होगा? सूट एपिकल मेरिस्टम से होगा, क्योंकि सूट एपिकल मेरिस्टम ही तो ग्राउंड के ऊपर पाए जाते हैं और एक्रोपिटल मैनर में ओरिजिनेट होते हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। एक्रोपिटल का मतलब हुआ नीचे से ऊपर की तरफ, यानी पहले नीचे लीफ का ओरिजिनेशन होगा, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर एंड सो ऑन। ठीक है, एक और वर्ड होता है इससे रिलेटेड जिसको कहते हैं बेसिपिटल। उसमें ओरिजिनेशन कहाँ से होगा कोई किसी चीज़ का? पहले ऊपर सबसे, फिर नीचे, इस तरह से। तो एक्रोपिटल और बेसिपिटल में डिफरेंस समझ आ गया। तो लीफ किस तरह से ओरिजिनेट होते हैं? एक्रोपिटल मैनर में। लीफ का जनरली काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, क्योंकि लीफ ग्रीन होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और मेजोफिल सेल्स पाए जाते हैं, बात ऑलरेडी पता ही है। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 H2O के को लेकर लाइट के प्रेजेंस में हम क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, राइट। सो दिस इज सो सिंपल। इट हैज़ 3 पार्ट्स। लीफ के पास जनरली 3 पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। इन तीनों के बारे में ही हम वन बाई वन पढ़ने वाले हैं। जनरली इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर कोई स्टेम है और यहाँ से एक लीफ है, तो ये जो यहाँ पे स्टेम से जो ये पॉइंट अटैच है इसको हम लीफ बेस कहते हैं। ये जो स्टेम स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको पेटियोल कहते हैं। और लेमिना यानी जो ये सरफेस है पूरा जो फ्लैटेंड सरफेस है उसको लेमिना कहते हैं। तो यहाँ पे लीफ के बारे में जो बेसिक है हम समझ गए। सो नाउ मूविंग नेक्स्ट, इससे आगे हम पढ़ें। मैं थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना चाहता हूँ कि स्टिप्यूल क्या होता है। यहाँ पे देखा जाए तो जो एक्जिल है वहाँ पे एक्जिलरी बड भी प्रेजेंट है और एक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो स्टिप्यूल है। जो बड़ा है वो स्टिप्यूल है और जो थोड़ा सा छोटा है उसको एक्जिलरी बड कहते हैं। तो स्टिप्यूल एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो लीफ बेस के बारे में पढ़ते हैं। तो लीफ बेस यानी जो चीज़ यहाँ से, ये जो यहाँ पे जो है ये, इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ते हैं। तो 2 लेटर लीफ स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल ओरिजिनेट फ्रॉम वेयर पेटियोल अटैच विथ
स्टेम, पेटियोल इसको स्टॉक को कहते हैं। और यहाँ पे दो लीफ लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यानी सिर्फ एक स्टिप्यूल नहीं होता, स्टिप्यूल का जो नंबर होता है वो दो होता है, यानी यहाँ पे दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो जाएंगे, इसको स्टिप्यूल कहेंगे, और ये जनरली डाइकॉट में ओरिजिनेट होता है। और कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ओरिजिनेट फ्रॉम जहाँ पे पेटियोल अटैच होता है स्टेम से, यानी जो लीफ बेस है वहाँ पे। फिर मोनोकॉट्स में क्या होता है? अगर डाइकॉट्स में स्टिप्यूल्स होते हैं तो मोनोकॉट्स में क्या होता है? लीफ बेस एक्सपेंड इंटू सीथ कवरिंग स्टेम पार्सली और होली। जो हमारा मेज प्लांट है इसमें ये देखा जाए तो ये लीफ है, ये लीफ बेस जो है, अब लीफ बेस ही एक्सपेंड होता है। अगर कोई ये कह दे कि जो है हमारा पेटियोल एक्सपेंड करता है मोनोकॉट्स में सीथ की तरह, ताकि वो स्टेम को पर्सेली या होली कवर कर ले, नहीं, लीफ बेस ओरिजिनेट होता है, आई मीन सीथ में कन्वर्ट होता है मोनोकॉट्स में। और ये देखिए किस तरह से ये जो है ना स्टेम को एकदम कवर कर ले रहा है नीचे जाते हुए मोनोकॉट्स में। और वहीं मैं डाइकॉट्स में यहाँ पे देखा जाए तो स्टिप्यूल्स का प्रेजेंस है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, लगभग हर जगह पे जहाँ जहाँ लीफ है। तो लीफ बेस स्वालो कर जाता है लेगुमिनस प्लांट्स में। लेगुमिनस प्लांट्स का मतलब जो हमारा ग्राम है, फिर जो हमारे पल्सेस आते हैं तो पलवाइनस उसको कहते हैं। जब लीफ बेस एक स्वॉलन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए, लेगुमिनस प्लांट के अंदर जनरली ये होता है, तो उसको हम पलवाइनस कहते हैं। जनरली ये एक फिगर है यहाँ पे ये वाला, तो इसमें ये लीफ का जो बेस है ये वाला, ये स्वॉलो हो गया है, तो इसको हम पलवाइनस कहेंगे। देखो यहाँ पे स्टिप्यूल भी प्रेजेंट है। जनरली जो हमारा लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं वो डाइकॉट्स ही होते हैं, तो ये भी पूछ सकता है कि पलवाइनस किस में पाए जाने की ज़्यादा संभावना है, तो डाइकॉट हमारा आंसर होगा। सो मूविंग नेक्स्ट थिंग, दैट इज पेटियोल। जैसे हम लीफ के तीन पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना। लीफ बेस के बारे में हमने बात कर लिया, अब पेटियोल के बारे में। तो पेटियोल जो है वो एक लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होते हैं, अलाउ लीव्स ब्लेड्स टू फ्लटर इन विंड। हमने जैसे कि कहा ये लीफ बेस हो गया, ये हमारा पेटियोल हो गया, और ये फिर लेमिना हो गया लाइक दिस। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको ही पेटियोल कहते हैं। तो ये इस लेमिना को हवा में आराम से फ्लटर करने देता है, देन कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सर्फेस। यानी पेटियोल का यहाँ पे जो काम मेंशन है कि फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होने की वजह से फ्लटर करने देता है लेमिना को, यानी लेमिना को लीफ ब्लेड भी कह सकते हैं, और इस तरह से कूलिंग करवाता है लीफ का। फिर अब हम लेमिना के बारे में बात करते हैं, जिसको लीफ ब्लेड भी कहते हैं। वो एक ग्रीन स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विथ वेन्स एंड वेनलेट्स। इसमें क्या होते हैं? वेन्स होते हैं इस तरह से, और वेनलेट्स होते हैं, और भी छोटे 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 जो लंबे लंबे हैं उसको वेन्स कहेंगे, और जो थोड़े और उससे भी छोटे हैं उसको वेनलेट्स कहेंगे, ठीक है। और जो मिडल प्रोमिनेंट वेन को मिडरिब कहते हैं, यानी जो ये वाला सबसे सीधा वाला है जो मैं अभी एकदम डार्क कर दिया हूँ, उसको हम मिडरिब कहते हैं लीफ में। ये भी लेमिना का ही पार्ट है मिडरिब ऑब्वियसली। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज अ चैनल्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। जिसमें वेन्स हैं इनका क्या काम है होता है? ये रिजिडिटी प्रोवाइड कर देते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछते कि जो वेन्स है वो फ्लूडिटी प्रोवाइड करता है तो वो ऑप्शन रॉन्ग होगा, रिजिडिटी हमें सर याद रखना है। और किसको प्रोवाइड करता है? लीफ ब्लेड को। एक्ट एज चैनल्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। ये तो सिंपल चीज़ है, ये आई थिंक आपके माइंड में रहेगा ही। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिशन ऑफ लेमिना वेरी इन डिफरेंट लीव्स। अब अलग अलग प्लांट के अगर लीव्स लें हम तो उसका शेप अलग होगा, उसकी मार्जिन अलग होगी, उसका एपेक्स का शेप अलग होगा। यानी कुछ लीव्स ऐसे होते हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं, अलग अलग तरह के लीव्स हमें देखने को मिलते हैं नेचर में। सरफेस अलग होगा, एक्सटेंट ऑफ इंसिशन, इंसिशन का मतलब जो कट्स लगे होते हैं लीफ में, फॉर एग्जांपल जो हमारा चाइना रोज का लीफ है उसमें थोड़ा ऐसे ऐसे होता है इस तरह से, तो ये जो है ना ये जो कट्स लगे होते हैं इसको इंसिशन कहते हैं।
जो वेरी करता है डिफरेंट लीव्स में, यानी सब अलग अलग लीव्स में अलग अलग होता है, ठीक है, वो सेम नहीं होता, एंड दिस इज अ कॉमन सेंस थिंग। तो अब हम विनेशन के बारे में बात करते हैं, यानी जो वेन्स का अरेंजमेंट है लीव में वो किस तरह से होता है उसके बारे में। तो जनरली ये विनेशन है वो दो तरह का होता है, एक तो जालीनुमा विनेशन बन जाए लीफ के अंदर, यानी ये अगर लीफ है तो इसमें जो वेन्स का अरेंजमेंट है वो एकदम जाली नुमा हो जाए, तो उसको हम नेटवर्क या रेटिकुलेट विनेशन कहते हैं, जो कि डाइकॉट में पाया जाता है। और पैरेलल विनेशन, इसमें एकदम इस तरह से देखो पैरेलली अरेंज हो जाए वेन्स एक दूसरे के और कोई एक दूसरे को क्रॉस ना करें, तो इसको हम पैरेलल विनेशन कहते हैं। और वहीं ये रेटिकुलेट विनेशन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पैरेलल तो गए हैं बट साथ साथ इसके बीच में जो है ना एकदम जालीनुमा स्ट्रक्चर बना रखे हैं उन्होंने, यानी एकदम एग्जेगरेटेड हो गया है। तो ये जनरली डाइकॉट्स में पाया जाता है और पैरेलल विनेशन मोनोकॉट में पाया जाता है। जनरली बहुत सारे लोग यहाँ पे कन्फ्यूज होते रहते हैं कि रेटिकुलेट विनेशन किस में होगा, मोनोकॉट में या डाइकॉट में, तो एक वर्ड बस याद रखिए DR, यानी डाइकॉट में रेटिकुलेट, ठीक है, इससे हमारा कन्फ्यूज़न नहीं होगा और हमेशा याद रहेगा, सिंपल थिंग्स। तो मूविंग नेक्स्ट, टाइप ऑफ लीव्स, तो लीव्स के जनरली कुछ टाइप हो सकते हैं और इसके टाइप हैं सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। तो जनरली ये होता है लेमिना हमारा जनरली किसी भी लीफ का, फिर ये हो गया पेटियोल और ये हो गया लीफ बेस यहाँ पे। तो ये जो लेमिना है वो जब पूरा हो, एंटायर हो, एंड इंसिशंस नॉट टच द मिड रिब, फॉर एग्जांपल अगर मैं दूसरा लीफ बनाऊँ, दो लीफ बनाता हूँ मैं, एक ऐसे लीफ है, ठीक है, इस तरह से, यानी जो इंसिशन हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह पे जो थोड़ा सा कट है, एक मिड रिब को कहीं भी टच नहीं कर पाया, इसलिए एक सिंपल लीफ का एग्जाम्पल हो गया। बट अगर इंसिशंस जो है, यानी ये जो कट्स हैं, अगर वो मिड रिब को टच कर लेंगे, फॉर एग्जांपल ये देखा जाए ये मिड रिब हो गया, तो इसको टच किया, फिर इस तरह से किया, फिर इस तरह से किया, यानी इंसिशन इस तरह से टच होने लगे, तो वो हमारा कंपाउंड लीफ का एग्जांपल हो जाएगा। यानी इसमें मिड रिब को टच कर रहे हैं और इसमें मिड रिब को ये जो इंसिशन साइड साइड से हैं वो टच नहीं कर रहे हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि हम बहुत सारे लीफ का फॉर्मेशन हो गया। अगर हम सपोज करें कि ये एक ही लीफ था पूरा बट इंसिशंस जो है बहुत सारे टच कर गए, तो इस तरह से बन गया, यानी ये कंपाउंड लीफ में कन्वर्ट हो गया। फॉर एग्जांपल फिर से बता देता हूँ, कंपाउंड लीफ एक लीफ है ऐसे, ये इसका मिड रिब है बट इंसिशन इसके टच करने लगे मिड रिब को, तो ये कंपाउंड लीफ में कन्वर्ट हो जाएगा। जनरली कन्वर्ट नहीं होता है, मैं बस इसको समझा रहा हूँ कि ये कैसे हुआ होगा और इसको क्यों अलग अलग क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। अब बड इज प्रेजेंट इन द एक्जिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। अब हमें पहले से ही पता है कि कोई भी लीफ होगा तो वहाँ पे, यहाँ पे बड जनरली प्रेजेंट होता है, तो बड प्रेजेंट होता है सिंपल लीफ में भी और कंपाउंड लीफ में भी, बट नॉट इन द एक्जिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ। तो ठीक है, यानी यहाँ पे अगर जैसे सिंपल लीफ है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे समझाता हूँ, ये स्टेम है और यहाँ पे एक सिंपल लीफ है जिसके इंसिशंस टच नहीं कर रहे हैं मिड रिब को, तो यहाँ पे एक बड जरूर प्रेजेंट होगा, क्लियर है। फिर कंपाउंड लीफ में भी बड का प्रेजेंट होगा, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लीफ है, कंपाउंड लीफ है, तो उसके इंसिशंस तो मिड रिब को टच करेंगे, यानी इसमें जो लीव्स होंगे ऐसे ऐसे होंगे, ठीक है, जनरली ऐसे ही होंगे। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे बड तो प्रेजेंट होगा बट इसमें कहीं यहाँ पे, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, इन जगहों पे बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो जो लीफलेट्स बने, यानी ये इनको लीफ नहीं कहेंगे, इनको लीफलेट्स कहेंगे क्योंकि ये कंपाउंड लीफ का एग्जांपल हुआ, ठीक है, तो इनके बीच में जो है कोई भी बर्ड का प्रेजेंस नहीं होता है। अब जो है हमारा कंपाउंड लीफ का भी क्लासिफिकेशन हुआ है, तो कंपाउंड लीफ का क्लासिफिकेशन दो टाइप में हुआ है, एक को कहते हैं हम पिनेटली कंपाउंड लीफ और एक को है पामेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। तो पिनेटली का जनरली मतलब होता है फेदर की तरह दिखना, यानी जो बर्ड्स का फेदर होता है
वो जनरली कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है, उसमें बहुत सारी लाइनिंग्स होती हैं, राइट? ऐसे ही तो दिखता है बर्ड का फिदर। तो पिनेटली कंपाउंड लीफ में नंबर ऑफ लीफलेट्स ऑन कॉमन एक्सिस होता है, यानी देखो जिस तरह से बर्ड का फेदर होता है उसी तरह से पिनेटली कंपाउंड लीफ होगा, यानी इस तरह से इसमें दिखता है। इसका जो कॉमन एक्सिस है उसको रैचेस कहते हैं, और ये नीम में इस तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है। तो हम बर्ड के फेदर को किससे कंपेयर करेंगे? नीम प्लांट से, इस तरह से। और पिनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल और पिनेटली लीफ कंपाउंड का मतलब क्या होता है ये हमारे दिमाग में याद रहेगा। और फिर पमेटली कंपाउंड लीव्स को हमारा पाम इस तरह से दिखता है, पांच फिंगर निकले हुए हैं, इसी तरह से जैसे हमारा पाम इस तरह से फाइव फिंगर्स निकले हुए दिखते हैं इस तरह से, इसी तरह से ये भी जो है ना पमेटली कंपाउंड लीव भी दिख रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि लीफलेट्स एट कॉमन पॉइंट पे प्रेजेंट है, और एक कॉमन पॉइंट पे लीफलेट्स जो है ओरिजिनेट हुए हैं, तो हम इसको पामेटली कंपाउंड लीफ कहेंगे। सो एक बार इसको समझा देता हूँ कि किस तरह से पिनेटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ बने कंपाउंड लीफ से। सपोज करो कि ये एक सिंगल लीफ है, इसमें जो इंसीसंस है वो मिडरिप को टच करने लगे, सबके टच कर लिया। तो ये क्या हो गया? पिनेटली कंपाउंड लीफ में कन्वर्ट हो गया। ठीक इसी तरह से इसमें ये सिंगल लीफ था, बट इसके जो है इंसीसंस टच करने लगे मिडरिप को, एक कॉमन पॉइंट पे जो है आ गए, इस तरह से ये पामेटली कंपाउंड लीफ में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज इजी, लेट्स मूव नेक्स्ट। फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का क्या मतलब होता है? अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांच। स्टेम पे भी हो सकता है ये अरेंजमेंट, या ब्रांच पे भी। ऑप्शन में अगर ये क्वेश्चन देता है कि फिलोटैक्सी किसका अरेंजमेंट है, लीफ का कहाँ पे, सिर्फ स्टेम पे या स्टेम ब्रांच दोनों पे या सिर्फ ब्रांच पे, तो वी विल गेट करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये जो फिलोटैक्सी है, लीफ का अरेंजमेंट है, तो ये तीन तरह का जनरली हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा स्टेम है, तो ये अगर एक नोड है, तो यहीं पे दो लीफ अगर ओरिजिनेट हो जाए यहाँ पे, तो इसको हम क्या कहेंगे? अपोजिट फिलोटैक्सी कह देंगे। पेयर ऑफ लीफ एट ईच नोड, प्रत्येक नोड पे पेयर ऑफ लीफ और अगर ओरिजिनेट हो दोनों ही साइड में, तो उसको हम अपोजिट फिलोटैक्सी कहेंगे। ये कहाँ पे पाया जाता है? कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस मतलब आँख का पौधा होता है, जनरली हमने देखा होगा जो दूध निकलता है एक पौधे से, जिसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं, जिसके जिसको एनिमल्स जो है ग्रेज भी नहीं करते हैं उसको, क्योंकि वो उनको डिफिकल्टीज कर सकता है। और गुआवा प्लांट में, इन दोनों में ही अपोजिट फिलोटैक्सी पाई जाती है। ये एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में, कैलोट्रोपिस में अपोजिट फिलोटैक्सी होती है। अगर आपके आसपास ये पौधा हो तो आप इसे जाकर देखोगे तो दिखेगा इस तरह का अरेंजमेंट, और ज़रूर देखो ताकि वो याद हो जाए। फिर एक अल्टरनेट होता है, यानी एक जो लीफ है एक यहाँ प्रेजेंट हो और एक यहाँ प्रेजेंट हो, फिर इस तरह से ऊपर एक यहाँ फिर एक यहाँ, यानी एक दूसरे के पैरेलल ना हो के अलग अलग पॉइंट्स पे हो, तब इसको हम अल्टरनेट फिलोटैक्सी कहेंगे। एग्जाम्पल इसका चाइना रोज, यानी जो गुड़हल का फूल होता है, और मस्टर्ड यानी सरसों का पौधा, और सनफ्लावर जो हमेशा सन के तरफ पॉइंटेड होते हैं। तो दिस इज इट। अब इसमें एक और चीज़ है, रॉल्ड या फिर रॉल्ड फिलोटैक्सी, जिसमें हम मोर देन टू लीफ एट अ नोड फॉर्मिंग अ रॉल, ये अल्स्टोनिया में पाया जाता है, यानी एक से ज़्यादा लीफ अगर एक नोड पे प्रेजेंट हो, मतलब दो से ज़्यादा लीफ सॉरी, तो उसको हम रॉड फिलोटैक्सी कहेंगे। एस्टोनिया इसका एग्जाम्पल है। अब इसी में तीनों का फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे देखें एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा लीफ प्रेजेंट है, तो इसको हम रॉड फिलोटैक्सी कहेंगे। ये गोवा में है, अल्टरनेट और चाइना रोज में, सॉरी ये अल्टरनेट और ये अपोजिट। ओ मैन, आई एम डूइंग सो मेनी मिस्टेक्स। एनीवे मूविंग नेक्स्ट। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हम रूट के बारे में पढ़े थे, तो रूट का भी मॉडिफिकेशन देखा था कि जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से रूट को किसी और चीज़ में कन्वर्ट होना पड़े तो उस रूट का मॉडिफिकेशन होता है। फिर उसी तरह से स्टेम का भी मॉडिफिकेशन देखा था, जिसमें इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, एडेप्शन की वजह से
स्टेम का भी कन्वर्ट होना पड़ा था, और लीव्स का भी मॉडिफिकेशन देखते हैं। तो लीव्स में मॉडिफिकेशन जो जनरली लीव्स का होता है वो पहले होता है टेंड्रिल में। टेंड्रिल्स जनरली क्लाइंबिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो टेंड्रिल का जो मॉडिफिकेशन है वो स्टेम के भी मॉडिफिकेशन में दिया हुआ था। यानी अगर पूछता है कि टेंड्रिल किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का, लीफ का, या दोनों का, तो इस टेंड्रिल जो है वो दोनों का ही मॉडिफिकेशन में मार्क करेंगे। विल नॉट फॉरगेट दिस पॉइंट, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। और इसका एग्जाम्पल होगा पी प्लांट। अब स्पाइन के बारे में, स्पाइन मतलब फिर से कांटा। स्टेम के भी मॉडिफिकेशन में एक कांटा था, बट उसको हम थॉर्न कहते थे। बट जो यहाँ पे लीफ का मॉडिफिकेशन है, इसमें स्पाइन है, यानी स्पाइन जो है लीफ का मॉडिफिकेशन हो गया पार्टिकुलरली, और थॉर्न जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन हो गया। तो ये जनरली कैक्टी में प्रेजेंट होता है, ऑफोन्सिया में, और थॉर्न्स वॉज गिवन इन स्टेम्स मॉडिफिकेशन। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि थॉर्न जो है स्टेम मॉडिफिकेशन में दिया था और यहाँ पे स्पाइन दिया है, ठीक है ना। बल्ब, बल्ब में फ्लैशी लीफ, यानी लीफ जो है थोड़ा सा फ्लैशी हो जाए, उसमें थोड़े से कुछ और मटेरियल्स भर जाए। जनरली फूड स्टोरेज के लिए होते हैं ओनियन एंड गार्लिक में। और इसका एक और एग्जाम्पल होता है एगेट। तो एनसीईआरटी में ये दोनों दिया है, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया। सो ये तीन हो गए। और चौथा होता है कि जब पेटियोल जो है बिकॉम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। अब जनरली पेटियोल क्या होता है, ये यही स्टॉक को, इसी स्टॉक को पेटियोल कहते हैं। तो ये ग्रीन और ये फूड का जो सिंथेसिस करने लगे, तो इसको हम फाइलॉड कहते हैं। और ये कहाँ पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया। आपने एक प्लांट देखा होगा अपने घरों के आसपास जिसको बबूल कहते हैं, इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन एकेशिया का मतलब हुआ ऑस्ट्रेलियन बबूल। लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड, इसके जो लीव्स होते हैं शॉर्ट लिव्स होते हैं, यानी जो पेटियोल है उसको फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये याद रहेगा। फिर अब एक पिचर लीफ होता है। पिचर जनरली एक मग सा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हमने अपने घरों में ऐसे एक मग देखा देखा होगा, इस तरह से मग होता है। अच्छे से मैं नहीं बना पा रहा हूँ, बट एक मग सा स्ट्रक्चर होता है पिचर। तो पिचर की तरह जब लीफ मॉडिफाई हो जाए तो उसको हम पीचर लीफ कहेंगे। तो पीचर प्लांट जनरली कॉमन नेम है नेपेंथिस प्लांट का, और विनस फ्लाई ट्रैप इसके एग्जांपल है। विनस फ्लाई ट्रैप को भी हम पीचर प्लांट कह सकते हैं, क्योंकि उसका भी जो लीफ होता है वो भी पीचर की तरह ही दिखता है। बट जनरली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पीचर प्लांट को हम नेपेंथिस सपोज करेंगे। नेपेंथिस पार्टिकुलरली मेंशन नहीं है, एग्जाम्पल में मैंसनड है पीचर प्लांट एंड विनस फ्लाई ट्रैप, बट आई हैव फाउंड इट्स नेम नेपेंथिस। कंक्लूजन्स मैंने वहाँ से ड्रॉ किए, तो दिस इज़ द कंक्लूजन आई हैव ड्रॉ कि दोनों ही नेपेंथिस और विनस फ्लाई ट्रैप पीचर प्लांट कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही का जो मॉडिफाइड लीव है वो पीचर की तरह दिखता है। ब्लैडर सेप्ड लीव, जो ब्लैडर सेप्ड लीव है, यानी किसी ब्लैडर की तरह दिखना, जैसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उस तरह से दिखना। यूट्रिकुलेरिया, जिसको ब्लैडर वॉर्ट भी कहते हैं। ये जो विनस फ्लाई ट्रैप है या फिर नेपेंथिस है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। ब्लैडर वॉर्ट यूट्रिकुलेरिया भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ चुके हैं कि जो ब्लैडर वॉर्ट या यूट्रिकुलेरिया है एंड विनस फ्लाई ट्रैप जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। इन प्लांट्स में जनरली क्या होता है, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, तो जब वो एनिमल्स को खा लेते हैं कार्निवोरस बन जाते हैं, होते हैं, मतलब कार्निवोरस प्लांट्स का एग्जांपल हो गया। तो वो उस एनिमल में प्रेजेंट नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जनरली प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड का पार्ट होता है, तो उसको ले लेंगे, तो उनकी जो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है उन प्लांट्स की वो पूरी हो जाएगी। तो पीचर लीव का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, ब्लैडर सेप्ड लीव का एग्जाम्पल नहीं दिया है, बट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया बिकॉज दे मे आस्क इट, ठीक है। सो मूविंग नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे दो और एग्जाम्पल रखा हुआ है, लीफ हुक्स का और स्केली लीव्स का। ये दोनों ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, फिर भी मैंने मेंशन किया है, मे बी दे विल आस्क इट, या फिर 2 मिनट का इंफॉर्मेशन है। तो लीफ हुक्स का एग्जाम्पल है बिग्नोनिया, और स्केली लीव जो नॉन फोटोसिंथेटिक हो जाता है वो रश्कस हाइड्रिला और वेलेसनेरिया में प्रेजेंट होता है।
तो और हम एक और फिगर जो मेंशन है उसको भी देख लेते हैं। ओनियन जो है इसमें फ्लैशी लीव्स का मॉडिफिकेशन है, देखिए ये फ्लैश में कन्वर्ट हो गया ना, तो ये स्टोरेज का काम करता है। तो ओनियन किस लिए मॉडिफाई होता है? सपोर्ट के लिए? नहीं, प्रोटेक्शन के लिए? नहीं, स्टोरेज के लिए। यस ठीक है। और कैक्टस में स्पाइन प्रेजेंट होता है, स्टेम मॉडिफिकेशन में थॉर्न होता है, याद रखेंगे। और लीफ टेंड्रिल पी में प्रेजेंट होता है, और टेंड्रिल स्टेम मॉडिफिकेशन में भी प्रेजेंट होता है। तो ये बात हमें समझ में आ चुकी है ऑलरेडी। एंड सो हमारा जो टॉपिक है लीफ एंड इट्स मॉडिफिकेशन वो कंप्लीट होता है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आई एम ब्रिंगिंग टू द पॉइंट वीडियोस। और कोई डाउट हो तो कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक। थैंक यू सो मच।